लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों के लिए निकले हजारों की तादाद में यात्री रोडवेज की बसों से गोरखपुर बस स्टेशन पर उमड़ पड़े, जिसमें कुशीनगर देवरिया सहित बिहार प्रांत की ओर जाने वाले यात्रियों की काफी तादाद देखी गई, जिनको डीएम के विजयन पांडेन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बसों से उनके गंतव्य तक भिजवाया। आपको बता दें कि प्रदेश के बॉर्डर पर पूर्वांचल सहित बिहार के लोग जो दिल्ली में मजदूरी और अन्य कार्य करते हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए शासन के निर्देश के बाद उन्हें उनके घर में भेजने के लिए रोडवेज की बसों का संचालन किया गया, जिसके तहत चेतना तिराहे पर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसएसपी ने यात्रियों को सड़कों पर जाते देखा तो गाड़ी रोककर उन लोगों को रेलवे बस स्टेशन पहुंचवाया और खुद रेलवे स्टेशन पहुंचे और सबसे पहले डीएम ने वहां मौजूद लोगों को पहले सैनिटाइज कराया और फिर उन लोगों को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता और जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, लोकल नहीं है क्योंकि जानते हैं कि हर 8 घंटे का सफाई करना होता है, हम मजदूर करें सफाई हो जाए, उम्मीद है सारे जो लेबर है बाहर से निकले हुए सब आज शाम से घर पहुंच जाए। राहत सेल बना हुआ 24/7 चलेगा, उस पर जो भी लोग राहत मिर्जापुर का बस है, एक ही बस में आपने भेज दिया वाराणसी भाई। 2 मीटर इसको तो पूरे कर दो, मैंने आपको बताया 1 मिनट खुद हो देते हो, लाइन से 10 आदमी हो तो गाड़ी तो दूरी के लिए ना, ये 1 मीटर ऐसे बोर्ड बनवा दे लोगों की बात की जा रही है, उनकी परेशानियों को पूछा जा रहा है, उनको खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बना के लाइन से खड़ा किया जा रहा है, सब बसों की व्यवस्था करके उनको उनके कर्तव्य की बात कर रहे हैं। किसी का डर नहीं, जी
जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता ही है सरकार की पॉलिसी के तहत जो है कुछ लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है जो काफ़ी दिन पहले थे, और उनको पहले स्क्रीनिंग करके, उनका टेस्ट करके, उनको हाथ वाथ धुला करके, चेक करके, उनकी लिस्टें बनाते हुए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों की बसों में बैठा रहे हैं। पुलिस भी इसमें मदद कर रही है, प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है कि ये लोग सेफली पहुँच जाएँ। और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, कहीं कोई हड़बड़ नहीं है, और हमारी पुलिस की तरफ से पूरी तरह ये कोशिश है कि लॉकडाउन को हम लोग पूरी तरह सफल बनाएं। देखिए ये जो लेबर लोग, बहुत लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हैं करीबन 100-200 बसें आए हैं, सभी लोग का यहाँ अलग अलग बैठा करके सोशल डिस्टेंस के हिसाब से जान छोड़ने के बाद अलग अलग गाड़ी में बैठा करके रवाना कर रहे हैं। जो महिला है, बुजुर्ग है, जो बच्चे लेते हुए लोग हैं, उन लोग का सेटलिंग सर्विस का भी व्यवस्था है ताकि पैदल ना आ जाए, उन लोग जल्दी से जल्दी रवाना कर रहे हैं उन लोग का। आप लोग भी अपील है, दूरी बनाए रखिएगा, ये तो वन टाइम होगा, इन लोग को भी रवाना कर देंगे जल्दी।